नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। भले ही बिहार का पारा लगातार नीचे जा रहा हो, लेकिन बिहार की सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दो दिनों से हम यूं कहें कि बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि आखिर वो बिहार में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण बिहार की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी और जदयू दोनों के बीच में कैबिनेट विस्तार को लेकर बात नहीं बनती दिख रही है। उसके बाद दोनों ही पार्टियां अपने अपने अंदर में कई दूसरे पार्टियों के राजनीतिक विधायकों को अपने अंदर समाहित करना चाह रही है। इसी कड़ी में सबसे पहले बीजेपी ने राजद के पूर्व सांसद को अपने पाले में किया। इसके बाद अब कड़ी जदयू की आई, तो जदयू ने भी बीएसपी के विधायक को अपने पाले में कर लिया। उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि एलजेपी के एकमात्र विधायक भी जदयू में शामिल हो सकते हैं। बिहार विधानसभा 2020 में एकमात्र निर्दलीय विधायक जदयू को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर जो सबसे निकल के आ रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि AIMIM के 5 विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीते दिन ये 5 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये 5 विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं। अभी तक इसको लेकर कोई पूरी आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन कमरुल इमाम जो कि बिहार AIMIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमारे सीमांचल को लेकर, विकास को लेकर, सीमांचल में विकास को लेकर ये हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात थी। लेकिन जिस तरह से बिहार में सियासत तेज हो गई है, उससे ये सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि ये इतनी आसान मुलाकात नहीं है जितनी आसानी से कमरुल इमाम ने ये बात कही कि ये सीमांचल के विकास को लेकर ये बात कही जा रही है कि ये मुलाकात जो है सीमांचल के विकास को लेकर हुई है। लेकिन इसमें ये कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना जो है अंक वो बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पाले में सबसे ज़्यादा लोग हों ताकि वो बीजेपी पे अपना दबाव बना सकें। खैर, इससे पहले हम ये थोड़ा सा जान लें कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान AIMIM के ये जो 5 विधायक हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को इस बात का सर था कि हमारे विधायकों को कहीं ना कहीं तोड़ा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने जीत के तुरंत बाद ही अपने सारे विधायकों को हैदराबाद बुला लिया था। लेकिन उनका यह अंदेशा आज भी सच साबित होता दिख रहा है, जिसमें AIMI के ये 5 विधायक जो है फिर से टूट के गगार पे होते दिख रहे हैं। हम इससे पहले जान लें कि आखिर ये 5 विधायक कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो इसमें एक जो विधानसभा है वो है अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, वाईसी और बहादुरगंज। ये 5 ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें सीमांचल की ये सीटें हैं जहां पे AIMIM ने जीत दर्ज की थी। यह जीत जो है RJD को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया था। कहा तो यह भी जा रहा था उस समय कि AIMIM ने 5 सीटों पे जीत दर्ज की है और 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पे उन्हें राजद और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने अपना मोर्चा खोला है और शाहनवाज हुसैन को उन्होंने पार्टी के आगेरी लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अब जो है MY समीकरण के साथ बिहार की राजनीति में आगे बढ़ेगी और वह अब बिहार में CM की कुर्सी पे अपनी ताक बनाए हुए है। तो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर ये है, AIMIM के 5 विधायक जो है नीतीश कुमार के पाले में जाने की बात कही जा रही है। उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। हालांकि कमरुल इमाम ने कहा है कि ये मुलाकात सीमांचल के विकास को लेकर है, लेकिन जिस तरह से बिहार की सियासत है उसमें ये सीधी सीधी बात नहीं कही जा सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।